इसमें से पता निकलेगा, वहां पे टांग दिया जाएगा। हमको तो लग रहा है खराब हो गया होगा। तमाकू मेरे देश की धरती सोना उगले। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इस समय हूँ हम करपुडी, गांव का नाम है, वहीं पे रुका हुआ और रात में भर रुका था। एक मंदिर है जो नया तो बना है, देख सकते हैं किसका मंदिर, लक्ष्मी जी का है मंदिर, किसका है हमको समझ में नहीं आया। अभी मूर्तियाँ स्थापित नहीं हुआ, अभी नया बना है। ये गर्भगृह है और यहाँ पे चारों तरफ तो बना है लेकिन मंदिर को बहुत गंदा कर दिया गया। अभी बन रहा है, जब पेंटिंग वेंटिंग होगा पूरा, जो जो दिया है पैसा उसका नाम भी है, रुपया भी कितना दिया है उतना है, तो हर चीज़ है। 1,116,000 रुपया जो जो इतना दिया है, 50,000 तक लिखा गया है। और जो जितना दिया है उतना, इधर बहुत दान करते हैं, देख सकते हैं आप लोग, बहुत लोग दान करते हैं पैसा मंदिर बनवाने में। चलिए आप लोग ऐसे वीडियो के साथ बने रहिए, ज़्यादा मंदिर का वीडियो बनाएंगे तो आप लोग भी नहीं देखेंगे। चलिए आप लोग ऐसे वीडियो के साथ बने रहे, निकलता हूँ, 6 बजने वाला है। 5.5 किलोमीटर चलने के बाद आके एक चर्च है, देखिए जंगल में ही है और इधर भी पूरा जंगल ही जंगल है। और यहाँ पे खाने के लिए रुका हूँ, देख सकते हैं, और खाना जो है रात का रखा हुआ हूँ, पता नहीं, हमको तो लग रहा है खराब हो गया होगा। खराब नहीं हुआ होगा तो सही है। चावल है, सही लग रहा है, सही है, खा के उसके बाद निकलूँगा। अभी 8 बजने वाला है, 8 बजे निकल जाऊँगा। ये दाल है, यह लग रहा सांभर है, यह भी दालें है। अब देखिए यह रोड है और मैं खाने जा रहा हूँ। ये देखिए ये खत्म हो गया। चलिए आप लोग ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए, मिलते हैं आगे। दाल और सांभर दोनों खराब हो चुका है, सिर्फ अब मिर्चा बचा है और चावल है। इसमें इडली लिया हूँ, वह है तो इडली का चटनी से खा ले रहा हूँ। और दे रही थी एक और चटनी आता है, वो तो नहीं लिया। तो आज नारियल के चटनी से खाना पड़ रहा है, जो इडली में चटनी मिलता है। क्या करूँ, जो मिल रहा है वो खाना पड़ेगा। लगभग हमको 8 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे रुका हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं एक खेत दिखा हूँ, कुछ बोया गया है, थोड़ा अलग किस्म का है इसलिए हम कहा हूँ कि दिखा दे रहा हूँ। फूल आया है, पता नहीं क्या है इसलिए दिखाने के लिए रुक गया। ये तो नीम का पेड़ है, ये कोई झाड़ का है। और यहाँ पे पत्थर रखा गया है, यह है पता नहीं क्या बोया गया। देखिए जो मिट्टी भी है पूरा पत्थर है, ये नहीं कि यह देखिए क्या है, पूरा खेत इधर मिट्टी भी नहीं है। यह देखिए अंदर क्या साग तो नहीं है कोई, ये फूल तो आया है इसमें, देखिए फूल आया है लेकिन है क्या, लाइन से बोया गया है। मिट्टी कैसे चढ़ाया जाता होगा, बहुत दिक्कत होता होगा। देखिए कितना दूर तक बोया गया है लेकिन तो नाम तो हमको पता नहीं है, आप लोग को पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। देखिए लग रहा है साग होगा या कोई चीज होगा। देखिए मिट्टी मिट्टी यहाँ का, ये पूरा पत्थर है।
कितना अच्छा लग रहा है। देखा तो सोचा कि दिखा दूं इसको, पता नहीं क्या है लेकिन बहुत मजबूत है। कोई साग होगा या कोई चीज होगा इसका। नाम नाम नेम तुबाकड़ यूज 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 क्या खाने में ये है? तमाकू है यार देखिए, लेकिन तमाकू का तो अलग होता है। यह सुरती जो तमाकू होता है उसका पौधा है, लेकिन यह महक नहीं रहा है, तमाकू का है यहाँ पे खेती। अब बताइए अरे सही में इसका बीज देखिए, यह इसका बीज भी है फूल इसमें आता। इसी को तंबाकू है, हमको पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन तंबाकू का हल्दी का पत्ता के जैसे होता है ऐसे तो नहीं होता है, बता रहे हैं कि हाँ सुरती बना के खाया जाता है, देख सकते हैं। चलिए आप लोग ऐसे वीडियो के साथ बने रहे, मिलता हूँ आगे। और इसका तंबाकू है कि क्या है, इधर का होगा तंबाकू लेकिन अपने यहाँ तो जैसे हल्दी का पत्ता होता है उस तरह का होता है। चलिए आप लोग ऐसे वीडियो के साथ बने रहे, मिलते। उधर भी चारों तरफ बोया गया तंबाकू नहीं है, वो बता रहे थे कि इधर भी है चारों तरफ, बता रहे थे जो सिगरेट में मसाला डाला जाता है जो वही है सिगरेट और बीड़ी में, तंबाकू नहीं है एक बताए। उधर बाहर आप लोग देख सकते हैं जो हम खेत में गए थे जो सिगरेट के लिए यूज होता है जो पत्ता वैसे था वो जो, और उसको काट के सुखाया कैसे जाता है। देखिए ऊपर तिरपाल या पॉलिथीन भी कह सकते हैं लगाया गया है, यह देखिए काट के पेड़ सुखाया जा रहा है, महक अब आ रहा है थोड़ा थोड़ा। और ये देखिए लग रहा है कि बकरा टांगा गया है और पूरा। इधर देख सकते हैं कैसे टांगा गया है, तारों पे काट काट के तारों पे लगाया गया है, और चारों तरफ इधर बोया गया है जो सिगरेट का यूज किया जाता है वो। देखिए उधर भी टांगा गया वो पत्ता है, इसमें से पत्ता निकलेगा वहाँ पे टांग दिया जाएगा, वहाँ पे भी डाला गया है। तो देख सकते हैं लग रहा है बकरे की तरह टांग दिया गया है, धीरे धीरे हवा से सूखेगा और बारिश आएगा तो भीगेगा नहीं, इसलिए ऐसा किया गया। देख सकते हैं कितना अच्छा है। और यहाँ पे एक मिर्चा का हो गया, एक कपास का खेती, और एक या इसका तो नाम ट्रुबको या कुछ ऐसे बोलते हैं इसको। देख सकते हैं कितना दूर तक है तार लगा के, और पूरा अच्छे से इसको लगाया गया, चारों तरफ इधर बुआई किया गया। चलिए आप लोग ऐसे वीडियो के साथ बने रहिए और मिलते हैं आगे की तरफ। भाई साहब मिले थे, कह रहे हैं 7 किलोमीटर होगा फॉरेस्ट, अब 3 किलोमीटर ऐसा ही चलते हैं, जो जितना मिलता है उतना ही अधिक बताता है और गुस्सा आता है। कितने किलोमीटर, चारों तरफ जंगल है, और जंगल सिर्फ कांट वाला है, यह नहीं कि पेड़ पौधा है, पूरा कांटेला कटेला तार वाला है। देख सकते हैं धूपी अपने चरम सीमा पे है। चलिए आप लोग ऐसे वीडियो के साथ बने रहे, मिलते हैं आगे।